Dear student, myself Ranjeev Soni, HOD Mechanical, Riyas Polytechnical College. Today my topic is vernier caliper. And what do you know about the measurements? Measurements are three types. One type, simple vernier caliper. Second type, dial vernier caliper. And third is a display vernier caliper. जो सिंपल वर्नियर कैलिपर है वो मशीन के ऊपर ऑपरेटर यूज करता है, उसने क्योंकि मास प्रोडक्शन बनानी होती है और मास प्रोडक्शन के लिए वो यूज करता है और उसकी एरर है जो 0.01 mm, डिपेंड करता है कि उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 mm है, 0.02 mm है या 0.05 mm है. और जो डायल वर्नियर कैलिपर है और डिजिटल वर्नियर कैलिपर है वो रीडिंग माइक्रोन्स में दे रहा है, माइक्रोन्स मीन 0.001. और ये जो डायल वर्नियर कैलिपर है और डिजिटल वर्नियर कैलिपर ये ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल वाले यूज करते हैं. अब मेजरमेंट्स कितने टाइप की है? पहली मेजरमेंट है आउटसाइड डायमीटर, दूसरी है इनसाइड, तीसरी है डेप्थ. आउटसाइड डायमीटर की राइट साइड में फिगर दिखा रखी है, इनसाइड की बीच में दिखा रखी है और डेप्थ की लास्ट में दिखा रखी है, लेफ्ट साइड में डेप्थ की है. और अब है वर्नियर कैलिपर, कंप्लीट वर्नियर कैलिपर जो आपके सामने स्क्रीन पे है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. सबसे टॉप में देखो इनसाइड जार, नीचे देखो आउटसाइड जार, वर्नियर स्केल, फिर मई मेन स्केल, देन स्क्रू ग्रैब और एक डेप्थ प्रोब है जिससे हम किसी भी वर्क पीस की डेप्थ मेजर करते हैं. और वर्नियर कैलिपर में दो चीजें मेन है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल. और अब हम मेजर करेंगे कि कैसे हम आउटर डायमीटर मेजर करते हैं. आउटर डायमीटर मेजर करने के हमने तीन फिगर दिखा रखे हैं. सबसे टॉप में जो फिगर है वो करेक्ट है और दोनों फिगर रॉन्ग है. करेक्ट कैसे है, वर्कपीस लेफ्ट हैंड में लेना है और राइट हैंड में वर्नियर कैलिपर को पकड़ के उसके ऊपर लगाना है. इट इज ए करेक्ट मेथड. डायगनली और टिल्टेड मेथड है जो वो रॉन्ग मेथड है. नेक्स्ट है इनसाइड. इनसाइड डायमीटर के मेजर करने के लिए हमने टॉप की जो फिगर है वो करेक्ट है, डायगनली या कॉर्नर इट इज ए रॉन्ग, ऐसे नहीं मेजर करना. और आगे जो मेजरमेंट दिखा रहे हैं वो डेप्थ मेजरमेंट. डेप्थ मेजरमेंट के मेथड चेक करने का 90 डिग्री पे डेप्थ मेजर होगी वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में दोनों जो फिगरें हैं इट इज रॉन्ग. और जो भी हमने मेजर करना है वो राइट साइड वाली फिगर को देखते हुए करना. तीसरा अब आ गया हमारे पास स्केल. रीडिंग कैसे नोट करनी है? दो स्केलें हैं, मेन स्केल टॉप में मेन स्केल है और उसके नीचे ब्लू कलर में जो है वो वर्नियर स्केल है. अब स्केल कई तरीके की है. जैसे स्केल को अगर हमने 10 हिस्से में बांट रखा है तो उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01. अगर स्केल 20 हिस्सों में है तो उसका स्केल वर्नियर के लिए उसका लीस्ट काउंट आएगा 0.05. अगर स्केल 50 हिस्सों में है then the least count is 0.02. then how to read the vernier caliper. next is ab aapke samne ek figure de rakhi hai jisme hamara vernier scale ka zero jo measure kar raha hai wo 23 pe hai aur vernier scale ki jo division hai wo hum dekh rahe hai ki jo 4 hai wo main scale se match kar raha hai to hamari reading kya hogi 23 + 0.40, then it is a 23.40. ये मेजर करने का तरीका है. एंड अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि 10 मेजर करो सिंपल, देन मेजर करो 35.65 mm. और ये हमने रीडिंग स्केल दे रखे हैं, इसको ये आपके लिए एक्सरसाइज है 1, 2, 3, 4. आप ये एक तरीके की आपकी असाइनमेंट है, इसके आप असाइनमेंट करके मुझे भेजेंगे, देन मैं उसमें देखूंगा कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया.
इसके आंसर आगे दे दिए मैंने, फर्स्ट इज ए 11 mm, सेकेंड इज ए 5 mm, थर्ड इज ए 23.40 mm एंड फोर्थ इज ए 48.85 mm. अब होमवर्क है आपके लिए, नेम द पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, फर्स्ट ड्रॉ द वर्नियर कैलिपर देन लेबल इट्स पार्ट. थैंक्स.